हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे केले के कोफ्ते। तो ये कच्चे केले के कोफ्ते हम किस तरीके से बनाएंगे और इनको बनाने का सही तरीका क्या है, आज वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कच्चे केले के कोफ्ते खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसको आप गरम गरम राइस के साथ, रोटी, पराठे या पूरी के साथ खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं कच्चे केले। तो मैंने दो कच्चे केले लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इनको कट कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, मुझे इनको करना है बॉयल। तो बॉयल करने के लिए हमें इनको लगाना होगा सीटी। तो मैं इन्हें कुकर में ऐड कर रही हूँ। कुकर में ऐड करने के बाद मैंने 2 कप के बराबर पानी ऐड किया है, साथ में ऐड किया है नमक और हल्दी। और अब इन्हें 2 सीटी लगाने तक का वेट करेंगे। और यहाँ पर हम बना लेंगे अपना मसाला। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पर पैन में दिया है 1 चम्मच के बराबर मस्टर्ड ऑयल, साथ में ऐड किया है मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर जीरा, उसके बाद मैंने ऐड किया है 5 हरी मिर्च और ऐड किया है यहाँ पर मैंने गार्लिक क्लोव्स। तो इनको मैं अच्छे तरीके से फ्राई होने दूंगी। और जैसे ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अनियन और ग्रेटेड जिंजर। तो इनको भी हम अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे और मैं इसमें ऐड करूँगी हल्का सा नमक, जिससे कि क्या होगा, जो प्याज हैं बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे इजली। और हमें इनका पेस्ट बनाना है। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ काजू। तो काजू को भी साथ में इनके मैं फ्राई कर लूँगी। काजू ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पेस्ट में। तो बहुत सुंदर ग्रेवी बनने वाली है। और इसके बाद मैं इसे ऐड कर दूंगी मिक्सिंग जार में। तो मिक्सिंग जार में ऐड करने के बाद मैं इसका एक थिक सा पेस्ट बना लूंगी। और जो केले थे वो बॉईल हो चुके हैं, तो चलिए हम इन्हें पील कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं केले के छिलके भी हैं साथ में। तो मैं इन्हें छील कर इनके छिलके साइड में रख दूंगी, क्योंकि क्या होता है, केले के जो छिलके हैं इससे भी एक बहुत अच्छी रेसिपी बनती है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं केले के छिलकों को फेंकूंगी नहीं, उन्हें संभाल कर रखूंगी और उससे जो रेसिपी बनाऊंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम सभी केले के जो पीसेज हैं उनको छील लेंगे और यहाँ पर मैंने बोल में मैं रखती जाऊंगी और केले के जो छिलके हैं उन्हें मैं साइड में रख दूंगी, क्योंकि केला एक ऐसी चीज़ है, केले के पेड़ की एक हर एक चीज़ खाई जाती है, वो फेंकी नहीं जाती। और केले के मैंने सारे केले छील लिए, उसके साथ मैंने एक दिया है इसमें बॉइल्ड आलू। और इनको मैं क्या करूंगी, अच्छे तरीके से मैश कर लूंगी मैशर की हेल्प से। तो देखिए अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो पेस्ट बनाया था वो भी पेस्ट बन चुका है। और अब हम क्या करेंगे, कच्चे केले के कोफ्ते बनाने के लिए मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कच्चे केले का जो पेस्ट था और आलू का पेस्ट, उसमें मैंने ऐड किया है यहाँ पर कश्मीरी मिर्च 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी, 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है इसमें गरम मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है इसमें रोस्टेड कोरिएंडर और क्यूमिन पाउडर, साथ में ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और मैंने ऐड किया है 1 चम्मच के बराबर जो मैंने मसाला पेस्ट करके रखा था, जो प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और साथ में मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच के बराबर बेसन और हरा धनिया। तो इन सभी को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और एक ऐसा पेस्ट बनाऊँगी जिससे कि हमारा जो कोफ्ते हैं वो ईजिली बन पाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पेस्ट को बना लिया है, मिक्स कर लिया है। वैसे ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, अगर स्टिकी है तो इसको किस तरीके से बनाएंगे वो भी आपको तरीका बताती हूँ। तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में दे दिया है तेल, पर अब देखिए मैं स्पून की हेल्प से किस तरीके से शेप दे रही हूँ कोफ्ते को और ईजली ये बन पा रहा है।
तो आप देख लीजिए किस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ। इस तरीके से कोफ्ते को शेप देकर बनाना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि जब थोड़ा सा जो पेस्ट होता है स्टिकी होता है तो क्या होता है कि हमारे हाथों में चिपक जाता है और शेप बनने में अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ये तरीका दिखा रही हूँ कि आप स्पून की हेल्प से इस तरीके से कोफ्ते को शेप देकर इजीली बना सकते हैं। तो मैं इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूंगी जिससे कि अंदर तक अच्छे तरीके से फ्राई हो पाए। तो ये थोड़े से हल्के फ्राई होंगे तो हम इन्हें पलट देंगे। तो आप देखिए मैं किस तरीके से पलट रही हूँ उनको, बिल्कुल हल्के हाथों से पलटिएगा क्योंकि ये अभी बहुत सॉफ्ट हैं। और जैसे ही एक बैच जो है मेरा फ्राई हो चुका है, इसे मैं साइड प्लेट में सर्व कर लेती हूँ और इसके बाद अब मैं दूंगी यहाँ पर दूसरा बैच। तो यहाँ पर मैंने स्पून की हेल्प से बनाकर ही रखे थे और अब मैंने इनको ऐड कर दिया। अब इन्हें पलटते हुए मैं इस तरीके से फ्राई करूंगी। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी हुए थे। अगर आप ऐसे भी इन कोफ्तों को खाएंगे फ्राई होने के बाद इस तरीके से, तो भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए मेरा सेकेंड बैच भी फ्राई हो चुका है, तो मैं इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ। बस ध्यान रखिए कि इसे बार बार चलाते रहिए, नहीं तो ये ओवर कुक होके जल सकते हैं। तो आप देख लीजिए मेरे जो केले के कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में तेल लिया है, तेल को थोड़ा कम कर लिया था और ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून के बराबर जीरा, 2 पिंच के बराबर अजवाइन, 1 छोटा सिनेमन स्टिक दिया है, 2 इसमें ऐड करूंगी मैं हरी इलायची, 1 और इसके बाद डायरेक्ट ही मैं इसमें ऐड कर रही हूं जो मैंने प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूं और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई होने देंगे। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किया है इसमें, वो है सत्तू। तो 1 चम्मच के बराबर मैंने सत्तू ऐड किया है और उसे भी मैं मसाले के साथ फ्राई करूंगी। तो सत्तू यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये ऐड करने के बाद सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ये जरूर ऐड कीजिएगा। तो देखिए सत्तू ऐड करने से जो तेल है वो थोड़ा अलग हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है जो मिक्सिंग जार में जो मसाला लगा हुआ था उसमें मिक्स करके जो पानी था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसे मिक्स कर लेती हूँ साथ में। तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए, नहीं तो ये जल सकता है। और अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगी टमाटो प्यूरी। तो 1 टमाटर को मैंने ग्रेट करके रखा था, उसका एक प्यूरी बना के रखा था और साथ में मसाले अब ऐड करने वाली हूँ। तो मसाले में ऐड करूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली 1/2 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून और इनको अच्छे से चला लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है मैंने इसमें नमक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं लोहे की कढ़ाई में खाना बना रही हूँ, तो लोहे की कढ़ाई में जो हम खाना बनाते हैं ना उसका एक अलग ही टेस्ट आता है।
तो इसीलिए मैक्सिमम जो खाना मैं बनाती हूँ लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे कवर किया था 3 से 4 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे मसाला जो है साइड से तेल छोड़ने लगा है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मैंने कोफ्ते बनाकर रखे थे उनको मैंने हल्का सा जो फोक होता है फोक से मैंने उसको हल्का सा प्रिक कर दिया था और मैंने ऐड कर दिया उसको ग्रेवी में और कवर कर दिया 3 से 4 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1/2 चम्मच के बराबर गरम मसाला। तो गरम मसाला आप अपनी पसंद से ऐड कीजिए, जो आपको पसंद हो। और अभी मैं इसको फिर से कवर करूंगी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी थिक हो गई है। तो ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आपको चाहिए। और यहां पर मैंने ऐड कर दिया है देसी घी। तो यहां पर जैसे ही देसी घी ऐड किया तो ये बनकर रेडी है। और उसके साथ मैंने ऐड कर दिया है इसमें हरा धनिया। तो हमारा जो कच्चे केले के कोफ्ते का ग्रेवी है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बनकर रेडी है खाने के लिए। तो हमने इसे खाया था रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, कैसे भी आप खाएं आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप भी अपने इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कच्चे केले की कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी। Till then, bye bye. See you in the next video. Take care. Thanks for watching.